हम रिएक्ट करने वाले हैं केसरिया टीजर पर। और ये आया तो आई थिंक 1-2 महीने पहले था, बिकॉज हम लोग यहीं से ऑफ थे तो हमने नहीं किया रिएक्ट, बाकी सब कर चुके हैं। बट हमने सोचा क्योंकि कल इसका ट्रेलर भी आया है तो हमने कहा वाई नॉट मेरी जान, मतलब ये टीजर क्यों ना करें हम, हमें देखना चाहिए ये टीजर भी। और तो इसी के साथ देखते हैं ये टीजर। और इसमें सबसे बात ये है कि ये रणबीर कपूर और आलिया, और उससे पहले जो ये चीज़ एक ज़रूरी इतना एक ज़रूरी इतला है, इससे पहले आप स्किप करके रिएक्शन पर चले जाएं, मेरी बात सुन लें, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है ज़रूर, सब्सक्राइब टू आर चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर रिक्वेस्ट, आप लोगों की रिक्वेस्ट मिल रही हैं हमें और हम उसको पूरी भी कर रहे हैं कि करके, तो जल्दी जाएँ। और एंड डू फॉलो ऑन आर इंस्टाग्राम पर, हम लोग ज़्यादा ऑब्वियसली कनेक्टेड हो जाते हैं rather than this, so जाएँ और जाके हमें follow करें और हमें daily updates भी देख सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम reply नहीं करते, जितने ज़्यादा आप comment करेंगे उतना हम try करेंगे कि हम जो है वो पहले आइए तो चलें देखते हैं ये केसरिया। अच्छा जी, तो इसकी इंटरेस्टिंग बात ये कि 2 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले ही दोनों की शादी भी हुई है, तो उसी मौके पे दोनों को विश करने के लिए एंड में डाला गया है कि वी विशेस द लीड कपल। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात भी मुझे पता चली कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों पहली दफ़ा इस फिल्म के शूट पर ही मिले थे, और दोनों शूट पे ही मिलके दोनों ने शादी के डिसीजन किया। और ये फिल्म काफ़ी पहले से शूट हो रही है, अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे सभी फॉलो करते होंगे तो पता होगा ये काफ़ी पुरानी फिल्म है, जो आई थिंक शायद साल होने वाला है उसको शूटिंग को शुरू हुए हुए, बीच में फिर बहुत सी चीज़ें भी हुई, तो शूटिंग क्योंकि हमने ट्रेलर देख के हमें पता चल रहा है कि कितनी मेहनत लगी है, तो काफ़ी पहले से शूट हो रही है। दोनों शूट पर मिले और इससे पहले भी दोनों मिले थे, बट इस तरह से इंटरेक्शन नहीं हुआ जैसे इस फिल्म की शूट पे स्टार्ट हुआ। तो फिर शादी भी हुई, तो आई थिंक ये फिल्म दोनों के लिए बड़ी स्पेशल होगी और उनके फैंस के लिए भी बड़ी स्पेशल होने वाली है। और ये गाना जब इसका फुल वर्जन आएगा, मुझे लगता है हजारों लोग इसके इंतजार में हैं, इसका फुल वर्जन दे दो भाई, अरिजीत सिंह की आवाज़ ऊपर से ये दोनों भाई खुदा का वास्ते फुल वर्जन। अगर हम इसके टीजर की बात करें तो इतने कम मिनट का, ये इतने कम सेकंड का, इतना इंगेजिंग कि भाई पूरा गाना आया ही नहीं, भाई लोग यही 2-3 लाइनें सुनते रहे, मतलब इतना इंगेजिंग, इतना कैची लग रहा है कि गाना आएगा तो मैं कह रही हूँ धमाल होगा। बस अरिजीत सिंह की आवाज़ है और साथ में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कपल है, और इन दोनों को जब भी साथ में देखते हैं, और अब तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग होगा, पहले भी इनको साथ में देखा है लेकिन अब और ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। यार बहुत क्यूट दोनों साथ में, जो केमिस्ट्री है ना वो ज़्यादा जब आपकी रियल लाइफ में होती है ना तो आपकी वो स्क्रीन पर भी पता चलती है, और वही कपल मेरा ख्याल से ज़्यादा हिट भी होते जो रियल में भी हो रहे होते हैं ना, तो जैसे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री बहुत पसंद की जाती है क्योंकि वो रियल लाइफ कपल है। इसी तरीके से ये दोनों रियल लाइफ कपल हैं तो इनकी केमिस्ट्री जो है ना वो एक नज़र भी आ रही है स्क्रीन पे, और वो आई थिंक फिल्म में भी हमें देखने को मिलेगी, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा दोनों हस्बैंड वाइफ को फिल्म में देखने का और इस गाने में देखने का। और इसका फुल वर्जन दे दो भाई, फुल वर्जन इसका आएगा तो हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक क्यूट सा एक टच होता है ना, जिसको देखकर आप ये चाहो कि यार जब से ये गाना पूरा कुछ वैसा लगे। और आई मस्ट से कि जो लोकेशन और उनकी जो ड्रेसिंग दी गई है, क्योंकि धर्मा की फिल्म है तो धर्मा प्रोडक्शन से हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ना ड्रेसिंग पे और लोकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, शेफॉन की साड़ियाँ और बर्फ़ पे हीरोइन नाच रही, तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं धर्मा की फिल्म से, तो आई थिंक इनके कॉस्ट्यूम से भी काफ़ी फोकस किया गया है, और लोकेशन आई मस्ट से सब कुछ बहुत ठीक लग रहा है।
साथ में रणबीर कपूर इज एवरग्रीन, वो हाँ भाई वो बंदा सही रहेगा जैसा पहले था, सो आई थिंक ये अच्छा होगा।